कुछ कहना चाहेंगे? आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, कितनी खुशी और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज 78 स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसकी बहुत बहुत मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। और ये त्यौहार हमारा हर वर्ष, आज जो वीरों ने हमें बलिदान दिया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, उनके समक्ष ये हमारा जो कार्यक्रम होता है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। और मैं ये भी कहूँगा, हम नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार 11 तारीख से लेकर आज तक गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। और मैं कहूँगा, गंगा यात्रा का एक ही उद्देश्य था, आने वाली पीढ़ियाँ ये याद रखे कि किस प्रकार से हमारे वीरों ने कुर्बानी दी और देश से प्यार हो इन युवाओं का, ये एक बात देखने वाली है। आज मैं कनाल में आया हूँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, एडमिनिस्ट्रेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं SP साहब ने बहुत अच्छा यहाँ पर मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया, बच्चों के अंदर किस प्रकार का मतलब कॉन्फिडेंस यहाँ देखने को मिला। आज मैं कहूँगा, इसके साथ साथ बहुत सी जो ऐसी संस्थाएँ थी जो अपना जीवन लगा देती हैं, अपना परिवार छोड़कर लोगों की सेवा में लगाते हैं, ऐसी संस्थाओं को यहाँ पर सम्मानित किया। मैं उन संस्थाओं को भी सलाम करता हूँ और आगे बढ़ के ऐसी संस्थाओं को और भी आगे आना चाहिए, मैं यही आज कहूँगा। विनेश फोगाट को मेडल मिल सकता था लेकिन वो नहीं मिलेगा, CAS का फैसला आ गया है, किस तरीके से देखते हैं, हरियाणा सरकार कैसे सम्मान करेगी विनेश फोगाट का? देखिए, हम देश के पूरे खिलाड़ियों का बहुत बड़ा मानसम्मान करते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके साथ होकर इस बारे में उनके संज्ञान में उन्होंने बात की है और किस प्रकार का निर्णय हुआ है आपको सबको पता है। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से हम सभी खिलाड़ियों का बहुत मान सम्मान और आदर करता हूँ। सर, चर्चा चल रही है 20,000 जो कच्चे कर्मचारी थे उनका भविष्य सुरक्षित किया गया है, उनको दिया गया है। ये 1,20,000 कर्मचारियों को जो आज इनकी मैं कहूँगा सर्विस भी जो किस कोटी नहीं थी वो देने का काम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी किया है। आज उनके घरों में किस प्रकार से खुशी की लहर है वो अपने आप में देखने वाली। ऐसी चर्चा चल रही है कि आप करनाल विधानसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं, पिछले कई दिनों से आपके लगातार दौरे यहाँ बढ़ गए हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं लोगों को मुबारकबाद देने आया हूँ, करनाल वासियों को, और मैं खुशी का माहौल है। और मैं देखो, इतने बच्चों ने किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ आपने देखा भी होगा, हमारे करनाल से इच्छा आपकी? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मेरी क्षेत्र की भूमि में मेरा जन्म हुआ है, उस जन्म से ही मैं कहूँगा मैंने राजनीति करी है, कॉलेज टाइम से लेकर मैंने राजनीति की है लगातार। मैं 10 साल में रहा हूँ, मेरे भाई लगातार में रही है, 2 बार मैं MLA रहा हूँ, आज मैं राज्य सरकार में मंत्री हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, विपक्ष जो है वो मेरे से डिवेलपमेंट से घबराया हुआ ऐसी बातें करता है, मैं फिर से विधानसभा से लड़ूंगा, संगठन का जो मुझे आदेश होगा उसकी पालना करूंगा। शुक्रिया सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।